आज का हमारा सफर होने वाला है एक माउंटेन पर। यह है देवनंद जी का मंदिर, उस पहाड़ी पर बना हुआ ऊपर यह है देवनंद जी का मंदिर। मैं अभी एक पत्थर की पहाड़ी पर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बड़े होंगे। तो आज है 3 जुलाई और आज का हमारा सफ़र होने वाला है एक माउंटेन पर, जहाँ पे कि एक टेम्पल बना हुआ है। तो आज हम वहाँ चलेंगे और आपको माउंटेन के व्यूज़ के दिखाएंगे और टेम्पल में, वहाँ पे एक टेम्पल है बहुत खूबसूरत सा, तो वह आपको ले चलते हमारे साथ। ये आ चुकी है वो पहाड़ी, इस पे ये टेम्पल है। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ मंदिर पे। ये है देवनंद जी का मंदिर, उस पहाड़ी पे बना हुआ ऊपर। तो अभी हम चलेंगे ऊपर और यहाँ का कुछ ऐसे इस तरफ मैदान है और पीछे तालाब है। तो अभी हम चलेंगे मंदिर की साइड ऊपर। अभी हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं मंदिर की साइड में और ये मेरे पीछे व्यूज देख सकते हैं और वहाँ है ऊपर मंदिर। तो अभी हम चल रहे हैं, सीन यहाँ के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यह पहाड़ी पे काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है ऊपर। ये तो ये है रास्ता, ये मंदिर पड़ता है रिसमाल की साइड में। अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर पे, बस थोड़ा सा ही ऊपर है। तो आप मेरे पीछे ये लोकेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और ये मंदिर पड़ता है रेशमल साइड में, करीब रतनपुर कटरा से थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है। आप किसी से भी पूछोगे तो इस लोकेशन का बता देंगे। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की साइड। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर पे और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है देवनंद जी का मंदिर। अभी हमने दर्शन कर लिए और आपको करा दे, और यह है पीछे का लोकेशन कुछ ऐसा। तो अभी ऊपरी साइड में एक और मंदिर है, तो हम वहाँ चलेंगे अभी और देखते हैं कौन सा मंदिर है। मुझे भी नहीं पता इस मंदिर के बारे में, तो पता था लेकिन अभी ऊपर चलते हैं। तो ये अभी हम ये कच्चा रास्ता है, तो इस साइड से होकर ऊपर की ओर चलेंगे। वहाँ ऊपर की साइड में मंदिर बना हुआ पीछे, तो कुछ रास्ता ऐसा है कच्चा है। तो आगे चलते हैं, चढ़ाई का रास्ता है कुछ नीचे या चढ़ाई ऐसे, और ये नीचे साइड। तो अभी हम चलते हैं इस साइड मंदिर की ओर। यह ऊपर में बना हुआ है एक शिव जी का मंदिर है। अभी आपको यहाँ के दर्शन करा देता हूँ और अभी थोड़ा ऊपर और चलेंगे। उससे पहले ये मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, यहाँ से काफ़ी ऊपर तक आ चुके हम। और अभी शिव जी के मंदिर के भी आपको दर्शन करा देते हैं। और मेरे पीछे का कुछ सीन इस तरह का है, पहाड़ी लगा पूरा नज़र आ रहा है, चारों तरफ हरे भरा पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक शिव जी की पेंटिंग बनाई हुई है, ये शिव जी के और ये नंदी महाराज।
मैंने आपको देवनाथ जी के और शिव जी के भी दर्शन करा दिए। तो जैसे कि यह मंदिर मेरे पीछे, और अभी हम थोड़ा ऊपर की साइड आ गए यहाँ पे पहाड़ी पर। एक मैं अभी एक पत्थर की पहाड़ी पर हूँ, और ये चारों तरफ से नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और हम उस तरफ से आए थे, उस तरफ है रतनपुरा घाटा, और ये कुछ इस तरफ पड़ता है रिसपाल का मंदिर। और ये इस तरफ चारों तरफ मतलब बारिश के मौसम में तालाब वगैरह बढ़ चुके हैं। तो ये था कुछ मंदिर, और अभी हम इस तरफ थोड़ा से साइड में चलेंगे, वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है तो वहाँ चलेंगे। तो यहाँ से मैं चढ़ा था, ये कुछ ऐसे खड्डे बना के उसको पकड़ के। तो अभी वापस नीचे चलते हैं, कोशिश करते हैं वापस उसी टाइप में जाने की, क्योंकि पैर फिसलते हैं यहाँ पे। तो यह लगाते एक पैर, ये फिसल रहा है, और अभी हमको लगानी होगी छलांग। तो अभी आ गए हम नीचे। ये पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ से सीधा नीचे, अगर यहाँ से पैर फिसला सीधे नीचे जा सकते हैं, और इस तरफ से अगर फिसले तो सीधा नीचे की साइड आके पत्थर है बहुत सारे, तो वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ जब भी आओ सेफ्टी से आए, और हम आए थे उस साइड से, ये रास्ता देख रहे हैं उस साइड से होके, वहाँ से आए थे हम। तो अभी चलते हैं नीचे की साइड। शिव जी के और देवनाथ जी के दर्शन कर लिए, और यहाँ नीचे आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक जो ये रास्ता है, यहाँ पे पैदल चलकर ऊपर आते हैं उनके लिए एक रास्ता इधर है, और कोई बाइक या गाड़ी से आना चाहते हैं वो रास्ता इस साइड से होके और ये यहाँ पे आता है। तो आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस से आना है, पैदल आना है या बाइक से आना है। तो ये कुछ रास्ते थे। वहाँ ऊपर पे कुछ माता जी का है पहाड़ पे, और ये जितने भी ये देव ये शिव जी का मंदिर वहाँ पे नीचे है, वो भी पहाड़ मतलब पत्थर का जो पहाड़ उसके नीचे है, और ये देवनाथ जी का मंदिर भी पत्थर के नीचे बनाया हुआ है। और यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे मंदिर जो माउंटेन पर बना हुआ पहाड़ी पे, वहाँ पे आपको दर्शन करा दिए, और वहाँ के सीन्स भी दिखा दिए, कुछ पहाड़ी इलाका था जो। तो अब हम इस व्लॉग का करते एंड, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस मंदिर के बारे में लोकेशन जानी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ेदार व्लॉग।